लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और नई अपडेट। शहनाज गिल की हालत जरा भी ठीक नहीं है। आपको बता दूं रिपोर्ट्स की माने तो शहनाज गिल की हालत अभी भी गंभीर चल रही है। शहनाज गिल की फिजिकल हालत की बात करें तो खाना पीना उन्होंने कम कर दिया है। जैसा कि शहनाज गिल पहले से ही काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर मानसिक हालत उनकी काफ़ी ख़राब चल रही थी। सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर अभी भी शहनाज गिल की हालत नाजुक ही चल रही है। आपको बता दूं कि मेंटल सिचुएशन से अभी वो बाहर नहीं निकली हैं। जिस तरीके से वो अभी बिहेव कर रही थी, पहले कुछ दिन पहले सामने आई थी बात कि उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, वो सो नहीं पा रही हैं। आपको बता दें इस वक्त की अपडेट आ रही है कि शहनाज गिल की हालत अभी फ़िलहाल कुछ सुधरी है, लेकिन उसे सुधरा हुआ नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी फ़िज़िकल हालत उनके ना खाने पीने की वजह से फ़िलहाल बिगड़ी हुई है। उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अभी मेंटल प्रेशर में है। शहनाज गिल की हालत अभी नाजुक ही बनी हुई है। आपको बता दें कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो नहीं एक्टिव हैं। साथ ही आपको बता दें शहनाज गिल के भाई शहबाज जो हैं रोज़ अपने सोशल मीडिया पर सिद्धार्थ के साथ एक फ़ोटो पोस्ट करके कैप्शन के साथ अपनी इमोशंस को अपने फैंस के सामने रखते हैं। आपको बता दें कि शहबाज अभी अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, ज़्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन अपनी अपडेट्स अपने फैंस तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें शहबाज ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से शहबाज फ़ोटो शेयर कर रहे हैं सिद्धार्थ के साथ, अपने मूवमेंट्स शेयर कर रहे हैं अपने फैंस से और उनके बारे में अपने इमोशंस व्यक्त करते हुए उन्होंने ये पोस्ट किया है। रोज़ एक पोस्ट वो करते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सिद्धार्थ के साथ, उनकी याद में ये पोस्ट करते हैं शहनाज के भाई शहबाज। काफ़ी ज़्यादा अभी मेंटल प्रेशर में है। शहनाज गिल की बात करें तो अभी वो उस सदमे से उभर नहीं पाई हैं। सिद्धार्थ के जाने का सदमा अभी तक वो भूल नहीं पाई है और जाहिर सी बात है शायद ही उन्हें अभी और वक्त लगे इस सदमे को भूलने के लिए, या फिर इस सिचुएशन से कह सकते हैं बाहर निकलने के लिए उन्हें थोड़ा और वक्त लगे। लेकिन आप तक अगली अपडेट ज़रूर हम पहुँचाएँगे, सबसे पहले लेकर आएँगे आप तक। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।